सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्लान आपको बताने आया हूं। इस रिपोर्ट में देखिए 2041-42 तक ईरान 4 से 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की प्लानिंग कर चुका है। इससे जो आप समझ रहे हैं उसका कोई ताल्लुक नहीं है। न्यूक्लियर बम वो चाहे तो बकौल सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान कह चुके हैं कि अगर हम न्यूक्लियर बम बनाना चाहें तो हम कुछ ही वक्त में बना चुके होते और अब तक हमारे पास होता। बात यहां हो रही है न्यूक्लियर पावर प्लांट की, जिससे बिजली का उत्पाद किया जाएगा और बिजली बनाई जाएगी और बिजली से ही काफ़ी ज़्यादा देश को राहत मिलती है। और बिजली आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है आप जानते हैं, इससे बिजली सस्ती होगी। साथ में खबर ये भी है कि बिजली को बेचेगा भी ईरान, ऐसा ईरान का प्लान है। ईरान तेज़ी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और कई तरह के प्रोजेक्ट कई देशों के साथ मिलकर शुरू कर चुका है। वहीं ईरान के साथ इराक ने बिजली खरीदने और बेचने का डील किया है, जिस पर अमेरिका ने इराक से कुछ पाबंदियां हटा दी हैं ताकि वो डॉलर में पेमेंट ईरान को कर सके और थोड़ा जो है अपना हाल सही कर सके, बिजली खरीद सके इराक ईरान से। वहीं दूसरी तरफ इराक के 14 बैंक पर अमेरिका ने पाबंदी भी लगाई। ये कहा कि ये 14 वो बैंक हैं जो ईरान को डॉलर में लेन देन करने में मदद कर रहे हैं। उधर ईरान ने सख्त कार्रवाई की है सर पर रुपट्टा ना रखने की वजह से, हेड स्कार्फ ना पहनने की वजह से। एक ईरानियन एक्ट्रेस हैं इस रिपोर्ट में जिनकी तस्वीर लगी हुई है, 2 साल की इनको सजा जेल सुना दी गई है ईरान की कोर्ट के द्वारा। रशियन इजरायली जो रिसर्चर एक गायब है, ये इस पर इसराइल काफ़ी परेशान है और वो कई देशों से बात भी कर चुका है। रिपोर्ट ये है कि इस जो महिला को गायब करने में जिसका हाथ है वो है ईरान। इल्ज़ाम ये है कि इराक के सरजमीन से ये महिला गायब हुई है और इल्ज़ाम ये है जो रिपोर्ट आ रही है कि ईरान ने इस महिला को किडनैप करवाया है और इस महिला के बदले ईरान अपने कैदियों को इसराइल से आज़ाद करवाएगा। ईरान का जो टूरिज्म है काफ़ी ठप है, बेकार है, ना के बराबर वहाँ लोग जाते हैं, जिससे ईरान का काफ़ी नुकसान है। बहुत पैसा कमा सकता था ईरान दूसरे देशों की तरह, लेकिन टूरिज्म की तरफ से कोई पैसा नहीं कमा पाता है ईरान। ऐसे में अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ईरान रशिया, सऊदी अरब, इजिप्ट, चाइना, मोरक्को, इन 5 से 6 देशों और वेस्टर्न के कई देशों से बात कर रहा है कि वो ईरान वहाँ के लोग आएं और टूरिज्म को ईरान के फ़ायदा हो। उधर ईरान ने कहा है कि हमारे शहीद कासिम सुलेमानी के मुद्दे पर अमेरिका के ख़िलाफ़ हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और यूएन में लगातार दबाव बनाते रहेंगे। कासिम सुलेमानी की शहादत न हम भूले हैं न भूलेंगे, हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, इजिप्ट और रशिया से ईरान बात कर रहा है। किस मुद्दे पर? मिसाइल टेक्नोलॉजी को बेचने और ख़रीदने पर, शेयर करने पर। यानी कुछ मिसाइलों की टेक्नोलॉजी इजिप्ट और रशिया ईरान को देंगे और ईरान अपनी मिसाइलों की टेक्नोलॉजी उन दोनों को देगा। अगर ऐसा होता है तो देखिए सीधी सीधी बात है, अमेरिका के लिए एक बड़ा ख़तरा है। मेरे दोस्तों, अगर बात करूँ इसराइल की तो इसराइल के हालात बद से बदतर हो गए हैं। नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते करते 161 से ज़्यादा इसराइल की एयरफोर्स के सीनियर अधिकारियों ने 161 से ज़्यादा रिजाइन कर दिया है।
मेरे दोस्तों, उधर इजराइल एक नया बिल फिलिस्तीन के खिलाफ लाने वाला है जिसमें वो फिलिस्तीनी झंडे को कॉलेज और स्कूल के अंदर बैन कर देगा। मेरे दोस्तों, वहीं एक बड़ी खबर आई है, एक बड़ा राज खुल गया है जिसमें इजराइल का मिलिट्री पर्सन ये कहता हुआ पकड़ा गया है, उसके मुंह से निकल गया है। देखिए, होता यह है कि जब फिलिस्तीनी लोगों को मकान बनाना होता है तो उसे प्रशासन से, इजराइल की ही सरकार से परमिशन लेनी होती है। तो इस पर वो इजरायली IDF बंदा कह रहा है, मिलिट्री मैन, कि 95% जो रिक्वेस्ट आती है ना हमारे पास, हम 95% रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं फिलिस्तीनियों की। हम मकान बनाने की परमिशन देते ही नहीं है फिलिस्तीनियों को, सिर्फ 5% लोगों को बनाने देते हैं, बाकी हम ज़्यादा से ज़्यादा यहूदियों को ही मकान बनाने की परमिशन दे रहे हैं। כלומר, יש מושג של סירוב שפנו וסורבו, ואם כן, בערך כמה? 95% בערך מסורב. בקשות... 95% מה? מסורב. בקשות מסורבות במגזר הפלסטיני לתכנון. לרוב יש סיבות מקצועיות, מקרקעיניות, תכנוניות, מבחינת הראייה שלנו כתכנון עתידי של השטח, ובמקרים מסוימים זה סיבות מדיניות. כזכור, כינוס של ועדות תכנון במנהל האזרחי עד לפני מספר שבועות עם ביטול החלטה 150 או שינוי החלטה 150 דורש אישור דרג מדיני גם במגזר הישראלי וגם במגזר הפלסטיני. אז לעתים זו הסיבה לאותם נתונים או ליכולת לדון ולאשר תוכניות מתאר בשני המגזרים, גם המגזר הישראלי במקרים רבים. ישראל की मिलिट्री के बारे में UN ने बड़ी जानकारी दी। UN ने कहा कि लेबनान के सैनिकों के ऊपर आंसू गैस के गोले और ग्रेनेड फेंके थे IDF ने। हालात बॉर्डर के लेबनान और इसराइल के खराब हैं। इधर दूसरी तरफ इसराइल के विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं फ्रांस, हाथ पैर जोड़ रहे हैं फ्रांस के आगे कि लेबनान के साथ हमारे बॉर्डर के तनाव हैं, कृपया आप इसमें बीच में पड़िए और हमारे बॉर्डर के हालात सही कीजिए। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न सहारा और मोरक्को वाला मामला। वेस्टर्न सहारा रेगिस्तान का इलाका है, ज़्यादातर देश वेस्टर्न सहारा को मोरक्को का नहीं मानते और मोरक्को कहता है कि ये वेस्टर्न सहारा हमारा है। इसराइल ने कहा था कि आप हमारे साथ नॉर्मलाइजेशन कीजिए, हमारे प्रोग्राम को, हमारी मीटिंग्स को अपने मोरक्को में होने दीजिए, हम हर तरह से आपके साथ रहेंगे और हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपको मान्यता देंगे और कहेंगे कि वेस्टर्न सहारा का, रेगिस्तान का इलाका आपका है। इसराइल ने मान्यता दे दी और इसराइल का ये तीर सही जगह लग गया। अब मोरक्को के राजा ने वेस्टर्न सहारा में और मोरक्को में नेतन्याहू को इनवाइट कर दिया है, गई भैंस पानी में। उधर दोस्तों, बड़े खतरनाक अंदाज में अचानक से देर रात सीरिया के दमिश्क के इलाके पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक करके सीरिया के 3 सैनिकों का कत्ल कर दिया है। उधर इसराइल के राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं अमेरिका। उन्होंने अमेरिकी पार्लियामेंट में बयानबाजी करते हुए कहा कि ईरान क्षेत्र के लिए और हमारे लिए बड़ा ख़तरा है और अमेरिका को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, इसराइल को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, हम दोनों एक दूसरे के लिए बेहद ज़रूरी हैं और हम शुक्रिया अदा करते हैं अमेरिका का कि वो एक अहम रोल निभा रहा है सऊदी अरब और इसराइल के बीच रिश्तों को ठीक करने के लिए। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि इसराइल दुआ करता है कि जल्द से जल्द सऊदी अरब के साथ रिश्ते ठीक हो सके। तुर्की के राष्ट्रपति जब सऊदी अरब पहुंचे थे तो उस दौरान सऊदी अरब और तुर्की ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया और इसराइल को लताड़ लगाई
और कहा कि इजराइल जो फिलिस्तीनी इलाके में जनीन में और अलग अलग जगह पर घुसपैठ करके रेड कर रहा है और फिलिस्तीनियों को मार रहा है, उन पर जुल्म कर रहा है, ये निंदनीय है और हम इसका समर्थन नहीं करते, विरोध करते हैं। उधर यूरोपीय यूनियन ने बड़ा झटका दे दिया है तुर्की को। तुर्की ने यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप मांगी थी, लेकिन मेरे दोस्तों साफ साफ एक तरह से इनकार कर दिया है यूरोपीय यूनियन के द्वारा। कहा है कि इसमें तो भाई साहब अभी सालों साल लगेंगे। उधर तुर्की ने खुद बड़ी डराने वाली बात कह दी है। तुर्की की सरकार ने कहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं कि इस्तांबुल में भूकंप आने वाला है, तो इस्तांबुल में भूकंप के दौरान हम किस तरह से उस भूकंप से निपटेंगे। यानी तुर्की को ये चेतावनी दी गई है कि भूकंप आने वाला है। तुर्की इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ और घबराया हुआ है। सऊदी अरब के बाद यूएई भी पहुंचे थे रजब तैयब अर्दोगान, और उन्होंने यानी यूएई और तुर्की के बीच डील हुई है $50 बिलियन की। कई तरह की अहम डील हुई है। इसी बीच में यूएई के भी किंग को रजब तैयब अर्दोगान ने तुर्की की काफ़ी फेमस वही जो इलेक्ट्रिक कार है वो भी उनको दी है। यानी कई देशों के राष्ट्रपति और राजाओं को यही इलेक्ट्रिक कार रजब तैयब अर्दोगान गिफ्ट कर चुके हैं। मिडिल ईस्ट की आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।